रहती है, लेकिन आज की कार्यवाही को देखते हुए कहीं किसी भी तरीके से आपत्ति हो जाए, विवाद हो जाए, शहर का माहौल न खराब होने पाए, तो इन सब चीजों को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा रैपिड एक्शन फोर्स के अलावा रिजर्व पुलिस तमाम पीएससी के बल रहेंगे सर। इसको इस जो पूरा एरिया है 1 किलोमीटर के एरिया में पूरा कह लीजिए कि छावनी के रूप में तब्दील, यहाँ से लगभग 800 मीटर दूर गोदौलिया चौराहा है, उसके बाद से ही के सिर्फ पैदल जो लोग हैं उनको ही आने दिया जा रहा है, एक एक लोगों की जाँच की जा रही है, तमाम जो आंसू गैस की जो टीम होती है उनको तैनात किया जाएगा, वाटर कैन जो होता है वो मतलब किसी भी तरीके से यदि गंदा भड़कता है, ये सब सारी चीजें हैं तो जिस तरीके से निपटने की तैयारियां होती है वो सारी तैयारियां की गई हैं। हालांकि सब कुछ शांतिपूर्ण चल रहा है, पिछले बार कमीशन की कार्रवाई तो देखे तो उस समय भी बड़े शांति से चला था, हाँ कुछ लोग हो हल्ला जरूर मचाए थे, लेकिन उसको प्रशासन ने चूंकि पहले से मुस्तैद थे सबको हैंडल कर लिया गया था, और इस बार भी उम्मीद यही चल रहा है क्योंकि दोनों पक्ष यहाँ पे मौजूद हैं। ऐसा होता है कि जब एक पक्ष ही मौजूद रहता है तब विवाद की स्थिति, चूंकि दूसरे मुस्लिम पक्ष भी यहाँ पे है, उनके अधिवक्ता भी हैं, तो उम्मीद नहीं की जा सकती है कि किसी भी तरीके से गड़बड़ी हो, यानी सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहे। बिल्कुल, कोशिश यही है प्रशासन की कि सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहे, और उसी वजह से कहा जाए कि जो तमाम सुरक्षा बल है उनको उनकी तैनाती की गई है। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आज जो जिस तरह से देखिए सावन का सोमवार भी है और इसी को लेकर लगातार भक्त जो है वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं दर्शन पूजन करने के लिए। दूसरी तरफ एसआई की टीम पहुंची हुई है और ये एसआई की टीम सर्वे करने के लिए पहुंची हुई है, तो इस वजह से भी कहा जाए कि जो भक्त हैं वो ज़्यादा कहा जाए कि जिज्ञासा लेकर वहाँ पर पहुँच रहे हैं रोहित, और किस तरह से ये पूरा सर्वे किया जाएगा ये इसको लेकर एक बहुत जिज्ञासा है, क्योंकि आप जिस तरह का फैसला आया था एएसआई का सर्वे जो है वो किया जाएगा ज्ञानवापी परिसर का, और इसके बाद से कहीं ना कहीं जो हिंदू पक्ष है उसमें एक खुशी का माहौल जो है वो देखा गया, दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष ने इस पूरे मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। जिज्ञासा की बात करें तो निश्चित रूप से जो भी यहाँ पे श्रद्धालु दर्शन करने आ रहे हैं, हालांकि 4 नंबर ये जो गेट है यहाँ पे लोगों की एंट्री बंद है, यहाँ से सिर्फ प्रशासनिक टीम या सर्वे की जो टीम वो आ रही है, लेकिन आप देख सकते हैं कि लोग आ रहे हैं यहाँ पे खड़े होके देख रहे हैं, मतलब जैसे लग रहा है कि वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि समाचार पत्रों में निकल चुका है कि आज से सर्वे की कार्यवाही है, तो जाहिर है कि जो मंदिर की तरफ आएगा तो उनको एक जिज्ञासा बनी हुई, वो देखना चाहेगा क्या होगा। हालांकि ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि वो देख सके, सबके अलग अलग रास्ते हैं, मस्जिद में जाने का अलग रास्ता है, मंदिर की तरफ जाने का एक अलग अलग रास्ता है, कहीं किसी से किसी भी तरीके का कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, पूरा एक अलग रास्ता दिया गया है मस्जिद में जाने का, तो दर्शन पूजन की जो रफ्तार है वो अपने निरंतर अपनी गति से वो चलती जा रही है। श्रद्धालु जो है लगातार अब चारों मार्ग से आ रहे हैं, चूंकि अब गंगा द्वार जो है दशाश्वमेध के बगल से जो सीधी कॉरिडोर का रास्ता था उसको भी चालू कर दिया गया है, तो बहुत सारी भीड़ है उधर ट्रांसफर हो गई है, तो आप स्मूथली बड़े ढंग से तो देखिए वापस